सो हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप। दोस्तों आज की वीडियो में सीखने वाले हैं बैक फ्लिप के बारे में। दोस्तों आज मैं आपको स्टेप बैक फ्लिप के बारे में बताता रहूँगा और आप भी हमारे पीछे फॉलो करके आप सीख सकते हैं। दोस्तों ये कोई हार्ड नहीं है, इजीली है एकदम 100% ये ट्रिक आपको काम करेगी। और आप चाहें तो घर पर प्रैक्टिस करते हैं या फिर या ऐसे भी जगह पर आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऐसे जगह प्रैक्टिस कीजिए जहाँ आपको चोट लगने की संभावना ना रहे। तो कुछ स्टेप मैं आपको बताता हूँ, उससे 100% आप बैक फ्लिप सीख जाओगे। अगर बैक फ्लिप सीखने से पहले आप अपने अंदर को डर को बाहर निकाल दीजिए। अगर आप अपने अंदर डर रख रहे हैं तो बैक फ्लिप नहीं होगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करते हैं। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों फर्स्ट स्टेप से हम शुरू करते हैं और आप हमारे पीछे करते रहिए। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, आप हाई जंप ले रहे हैं, आप हाथ को ऊपर ले जा रहे हैं, उसके बाद से आपको एवर नहीं करना है, आपको अब पैर पकड़ने की कोशिश करना है, जंप लेकर पैर पकड़ना है। तो हम करके दिखा दे रहे हैं कैसे करना है और आप भी हमारे पीछे करिए। अब दोस्तों करते हैं थर्ड स्टेप स्टार्ट। थर्ड स्टेप आपको दिमाग में रखना है और उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, करके मैं दिखा दे रहा हूँ, मेरे पीछे आप रहिए। अब दोस्तों इतना करने के बाद तीनों स्टेप आपको तीनों को मिक्स करना है एक में। कैसे करना है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और आप दिमाग में याद रख लीजिए कि हमको डरना नहीं है, क्योंकि मेन यही है, इसके बाद जो होगा ये मेन रहेगा। अगर आप डर गए तो नहीं कर पाएंगे, अगर डर को बाहर निकाल के कर रहे हैं तो आप 100% कर लेंगे। तो मैं करके दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है और आप भी करिए। अब दोस्तों हम हाई जंप लेंगे, पैर पकड़ने की कोशिश करेंगे, उसके बाद से राउंड होंगे यानी गोला होंगे, बार बार हमें प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से करेंगे जंप लेके हमको पैर पकड़ना है और पीछे की तरह जाना है। मैं करके दिखा दे रहा हूँ, मेरे साथ आप रहिए। दोस्तों अगर आप इस तरीके गिर रहे हैं तो आप छोड़िए मत। अब ये मत सोचिए कि मेरे को चोट लग जाएगा, हमको ज़्यादा चोट लग जाएगा, मोच आएगा पैर में, ये दिमाग से निकाल दीजिए। देखिए मैं भी गिरा हूँ आपके लिए कि आप लोग ऐसे गिरते हैं उसके बाद से क्या करना है, ठीक है। इसके बाद हम गिरे हैं तो उसके बाद आपको मिस्टेक ये हो रही है कि आपका जंप नहीं जा रहा है। हम जंप बनाएंगे उसके बाद से थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा कुछ बना है, हम हाई जंप और राउंड होके पीछे जाने की कोशिश किए हैं, तब मेरा थोड़ा बना है। शुरुआत में मैं भी गिरता था और इसके बाद से आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप और ज़्यादा हाई जंप लेने की कोशिश कीजिए। तो हम आपको बता दे रहे हैं कैसे करना है, मेरे पीछे आप भी सीखते रहिए। तो करते हैं स्टार्ट।
अब दोस्तों ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आपका इतना हो जा रहा है तो आप छोड़िए मत, इसको एकदम लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। कम से कम 20 से एक मंथ मान लीजिए, एक महीने तक आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप बराबर से डर लगता है तो ऊंचे पर से नीचे कीजिए तो आपका बन जाएगा। और मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको बता दे रहा हूँ, आपको सॉलिड इस तरीके का जाएगा। जैसे आप ऊंचे पर से करते हैं, नहीं कर पाते तो नीचे गिरते हैं, अच्छा जाता है। यही बराबर पे करते हैं तो आपका नहीं बनता है, जैसे मैं गिरा हूँ वैसे आप भी गिरेंगे। तो मैं बराबर पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके आपको बताऊँगा और आप लोग देखें। अब दोस्तों आप बैक फ्लिप कर रहे हैं, इस तरीके से लैंड नहीं हो पा रहे हैं, आप बैठ जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो आपको क्या करना है पता है? आपको जब पैर गिर रहा है तो इस पर आपको स्ट्रेस करना है, यानी जब पैर गिर रहा है तो मुड़ना नहीं है, इस पर आप स्ट्रेस करके एकदम उसी पे रह जाइए, ठीक है? मैं करके दिखा दे रहा हूँ, आप मेरे साथ करिए। दोस्तों आप लगातार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका एक मंथ में यानी एक महीने में आपका कंप्लीट हो जाएगा बैक फ्लिप। दोस्तों वीडियो वो ख़त्म, आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और आगे भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।